अंबिकापुर जिले के सरगुजा में एक युवक द्वारा क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रिटायर्ड डिप्टी रेंजर से 50,000 रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह पूरा मामला अंबिकापुर की कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी रेंजर कृपा शंकर गुप्ता के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। अज्ञात युवक ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए उनके बेटे के ऊपर एक केस दर्ज होने की बात कही, साथ ही उसे बचाने की एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसके चलते रिटायर्ड डिप्टी रेंजर ने तुरंत 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। वहीं जब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले कृपा शंकर गुप्ता ने थाना कोतवाली में आकर के एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 20/11/2024 को दोपहर करीबन 12 बजे उनको एक वॉइस कॉल आया, जिसको उन्होंने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद में वॉइस कॉल में अपने आप को जो है वो क्राइम ब्रांच का पुलिस अधिकारी बन करके उनके लड़के जो है अरेस्ट हो गए, यह कह करके धमकी दे करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अननोन खाता नंबर भेज करके उनसे 50,000 रुपये की ठगी कर लिया है। तत्संबंध में एक लिखित आवेदन पर से अपराध कायम किया गया है। यह एक तरह का साइबर फ्रॉड है, जिसकी पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा जो है विवेचना की जा रही है।